हेलो गाइस, आज हम आ चुके हैं कानपुर के मोती झील पार्क में। यहाँ पर रावण का प्रोग्राम जो होने वाला था, बारिश के कारण देख सकते हैं क्या हालत हो चुकी है। चलिए आपको उसकी फुल डिटेल देते हैं। ये देखिए किस तरह रावण को बचाने की कोशिश करी जा रही है, जिससे रात में इसको जलाया जा सके। बारिश के कारण देख सकते हैं कैसा कीचड़ यहाँ पर फैला हुआ। देखिए यहाँ तो रावण को ढकने की पूरी तैयारी है, जिसके कारण शाम को इसको अच्छे से जला सके। और ये देखिए आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से उसके पूरे पार्ट को संभाल के रखा गया है। देखिए कितनी सेफ्टी के साथ, आप लोग को यहाँ का भी नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए किस तरीके से इसको पूरा कवर किया गया, और बारिश का पानी देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर भरा हुआ है। पूरा पानी चारों साइड भरा हुआ है। ये देखिए रावण को पूरी अच्छी तरीके से बनाने की फिर से कोशिश करी जा रही है, और यहाँ पर लोग आते जा रहे हैं रावण की हालत देखने के लिए। यहाँ पर देखिए सब लोग आते जा रहे हैं और रावण की कंडीशन देख रहे हैं। उम्मीद तो नहीं है ये रावण अच्छी तरीके से जल जाएगा, लेकिन कोशिश अभी भी जारी है। लोगों का मुंह यहाँ पर उतर चुका है, क्योंकि भाई बारिश के कारण पूरा ये रावण ख़राब हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा कीचड़ है, सब जगह ऐसी ही हालत है। ये कल रात से पानी बरस रहा है, जिसके कारण रावण की कोई सुरक्षा ना होने के कारण ये यहाँ पर पूरा भीग चुका है। देख सकते हैं आप, इसका पास से दिखाते हैं, जूम करके देखिए आप क्या हालत हुई है इसकी। इसके पूरा ये फट चुका है, पूरी तरीके से ये फट चुका है, गल चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ऐसे आप लोग देख सकते हैं रावण को दोबारा से बनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पर कुछ लोग कमेटी के मेंबर भी हैं और रावण बनाने वाले भी लोग हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके सर को भी सजाया जा रहा है, लाइटिंग करी जा रही है, और देखिए इसको रात के प्रोग्राम के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन उम्मीदें बहुत कम है कि रात में प्रोग्राम हो पाएगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कितनी तरीके से कैसे ये पूरा गल चुका है। मुझे नहीं लगता आज ये प्रोग्राम हो पाएगा, ऐसा तो गाइस बहुत ही कम देखने को मिलता है। आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा कि दशहरा में रावण ना जले। ये देखिए सबके मुंह में मायूसी छाई हुई है, देखिए सब लोग कैसे उदास लग रहे हैं। सबको लग रहा है कि रावण किसी ना किसी तरीके से बन जाए, लेकिन आप लोग इसकी हालत देख सकते हैं। देखिए इसके तो पर खच्चे उड़ चुके हैं, देखिए आप लोग पूरा एक एक पार्ट इसका। गाइस आप लोगों ने यहाँ मोती झील का हाल तो देख लिया, अब लाजपत नगर चलते हैं और वहाँ के रावण का हाल देखते हैं, वहाँ क्या कंडीशन है। चलिए फिर वहाँ चलते हैं। गाइस अब हम आ चुके हैं लाजपत नगर में, यहाँ का रावण आपको दिखाते हैं क्या कंडीशन। यहाँ पर मीडिया वाले भी आए हैं, देखते हैं वो क्या कंडीशन इसको बता रहे हैं। मोती झील के रावण से तो इसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी लग रही है, आगे से देखते हैं इसकी कंडीशन। और यह देखिए मीडिया वाले भी आ चुके हैं, यहाँ पर पूरा कवर कर रहे हैं। भाई ऐसा पहली बार हो रहा है जैसे रावण दहन के दिन रावण ही नहीं जलेगा। ये देखिए कैसी कंडीशन है इसकी, ढक्के इसको भी अच्छी तरीके से रखा गया है, पूरा पैक किया गया है। यहाँ हो सकता है कि रावण जलाया जाए, लेकिन पहले इसको बनाया जाएगा, अच्छी तरीके से सजाया जाएगा। यहाँ देखिए कैसी कंडीशन है, इसके भी परखच्चे तो उड़े हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर गड्ढा तैयार किया गया है जिसमें इसको दफन किया जाएगा, और यहाँ पर पन्नियों से इसके हर एक पार्ट को संभाल के रखा गया है। देखिए इसके सर को पूरा कवर किया गया है, हाथ की हालत देख सकते हैं इसकी, ये भी फट चुका है। देख सकते हैं आप लोग इसकी भी हड्डी नज़र आने लगी है। गाइस यहाँ की हालत तो आप लोग देख चुके हैं, अब यहाँ के बाद हम चलते हैं छोटी सेंटर की ओर और वहाँ का रावण दिखाते हैं उसकी क्या कंडीशन है, इससे बुरी है या अच्छी है आपको दिखाते हैं। चलिए फिर चलते हैं छोटे सेंटर की ओर। गाइस अब हम आ चुके हैं छोटी सेंटर में, यहाँ का आपको रावण दिखाते हैं क्या हालत है उसकी, चलिए दिखते हैं। गाइस मुझे तो लगता है रावण की तपस्या से इंद्र देवता बहुत खुश हो गए हैं, जिस वजह से उसको जलाया ना जाए इसलिए ऐसी बारिश की गई है, जिससे कि पहले ही ये तबाह हो चुका है। इस बार रावण को जलाया नहीं जाएगा, बल्कि पानी में इसको बहा दिया जाएगा। देख सकते हैं पूरा गल चुका है। इसको बनाने में तो भाई
खत्म ही हो चुका है ये, अब नहीं बन सकता, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है। देखिए पूरा ही खत्म हो चुका है, इसका आप मुंह देख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं बचा अभी। इसका शरीर तो देख सकते हैं थोड़ा बहुत सही भी है, लेकिन भाई मुंह बिल्कुल खत्म हो चुका है। बच्चे लोग मुंह के साथ खेल रहे, देखिए कैसे। अब मुझे नहीं लगता है यहाँ पर रावण दहन हो भी पाएगा, और आपको पूरी कंडीशन दिखा रहे हैं गाइस। ये रहा छोटी सेंटर का रावण, यहाँ की हालत तो आप लोग देख चुके हैं, कैसा क्या है आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद हम चलते हैं बड़ी सेंटर की ओर और वहाँ का आपको रावण दिखाते हैं। गाइस आप लोग देख सकते हैं कि बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, बारिश कंटिन्यू होती जा रही है, कल रात से बारिश हो रही है और अभी तक रुकी नहीं है। ये छोटी सेंटर का नज़ारा है, आप लोग देखिए यहाँ पर कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं, यहाँ पर बारिश के वजह से, यहाँ देखिए लोग अंदर बैठे हैं और यहाँ पर अभी भी प्रोग्राम चल रहा है। जब हम आ चुके हैं बड़े सेंटर की ओर और यहाँ का रावण दिखाएंगे, यहाँ देखिए आप लोग कितना पानी भरा हुआ है, अभी इसी पानी से हम लोग को निकल के जाना पड़ेगा और कीचड़ भी बहुत है। ये देखिए पानी कितना जोर से भरा हुआ है, अगर फोन गिर गया तो भाई मिलेगा नहीं। कहाँ से ये लोग एक्टर आएंगे, देख सकते हैं पीछे कैसे रावण पड़ा हुआ है, देखिए आपको जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए गाइस कैसे पड़ा हुआ है, पूरा बिखरा हुआ है, देख सकते हैं पूरा टूट चुका है, पानी से पूरा भर गया है। देखिए पूरा पार्क पानी से भर चुका है, कानपुर वालों का बहुत ही एंजॉय करने का मूड था वहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं कैसे सब तबाह हो चुका है। देखिए गाइस चारों तरफ का यही नज़ारा है, यही खौफनाक मंजर आपको देखने को मिल रहा है। देखिए पूरा टूट चुका है, पूरा ख़त्म ही हो गया है, मुझे नहीं लगता अब ये जल पाएगा। इसमें बनाने में लाखों रुपए खर्चे होते हैं, देखिए लाखों पैसे कैसे पानी की तरह बह चुके हैं। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना लाइक, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, जो भी कानपुर से है वो ज़रूर कमेंट करें।